नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए मजेदार पहेलियां लेकर आए हैं, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विमानतल पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी थी। जासूस मेहुल को उसकी जाँच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 4 दिनों का पता लगा दिया था जिन दिनों तस्करी होती थी। पहला दिन 21 जनवरी, दूसरा दिन 23 अप्रैल, तीसरा दिन 25 जून, चौथा दिन 23 अगस्त। इन 4 दिनों के फुटेज देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं तस्कर कौन है? इसका सही जवाब है सी, क्योंकि सी जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। वो मादक पदार्थों को अपने पेट पर छिपाकर तस्करी कर रही थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। दोस्तों 4 लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डिब्बे में अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि रानी का पर्स गायब हो जाता है। रानी अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है। श्याम ने कहा, मैं तो काफी पी रहा था। बाबूराव ने कहा, मैं तो सो रहा था। राजू ने कहा, मैं तो अखबार पढ़ रहा था। क्या आप जानते हैं इनमें से चोर कौन है? इनमें से राजू चोर है, क्योंकि ट्रेन के टनल से बाहर निकलने के बाद राजू ने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। उसने पर्स चुराया और जल्दी से अखबार उल्टा पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेहुल अपने सहयोगियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वो नकली है। पुलिस 2 संभावितों की पहचान करती है। दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इसमें नकली पासपोर्ट कौन सा है? इसका सही जवाब है ए। आप अगर पासपोर्ट की तारीख पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है। दोस्तों मिस लिली स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों को चेक करने के लिए पहुंचती है। मरीज के नाम है रॉय, जॉय और कोए। लिली ने उनको सलाइन लगाई और लिली ने उनसे कहा, मेरे आने तक बिस्तर से उठना नहीं। वापस आते ही उसको समझ आ गया कि तीनों में से एक मरीज अपनी जगह से उठा था। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन अपनी जगह से उठा था? दोस्तों इसका जवाब है जॉय, क्योंकि जब मिस लिली उन्हें सलाइन लगा रही थी तब जॉय फोन पर बात कर रहा था। जब वह वापस आई तब जॉय का फोन चार्जिंग पर लगा था। मिस्टर खन्ना के बावर्ची की सुबह हत्या हो गई। जासूस मेहुल ने वहां पहुंचकर तहकीकात की। उसे 3 लोगों पर शक हुआ। मेहुल ने तीनों की जांच पड़ताल की। मिस्टर खन्ना ने कहा, मैं उस समय अपने स्टडी रूम में था, मुझे कुछ नहीं पता। मिसेज खन्ना ने कहा, मैं उस समय हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुन रही थी। नौकरानी ने कहा, मैं अपने रोज का काम कर रही थी। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से खूनी कौन है? दोस्तों नौकरानी के पैर को गौर से देखिए। बावर्ची के पास खून से लगा एक कांटा मिला। नौकरानी के पैर में ताजा चोट लगी थी, उसने ही बावर्ची को मारा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।